प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट है उसे कैसे चेंज करेंगे ये हम कर चुके थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी पास्ट। तो सबसे पहले जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा सिंपल पास्ट। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये आप सबको पता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें क्या यूज करनी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज करनी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिस विल बी योर एक्टिव फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्टिव। नाउ जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है इसका रूल, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एंड वॉज एंड वर्ब क्या यूज में लेते हैं हम, वॉज एंड वर्ब किसका यूज में लेते हैं, वॉज वर्ब का, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, एंड देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी योर सब्जेक्ट। फाइन एवरीबॉडी, फॉर एग्जाम्पल द हंटर killed the lion. The hunter killed the lion. ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए किसका सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट का। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, सॉरी ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, मैंने उल्टा बोल दिया। द लायन, लायन इज सिंगुलर तो हम क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था वॉज यूज होता है सिंगुलर और आई के साथ, वर यूज होता है प्लूरल के साथ। तो द लायन इज सिंगुलर के व्हाट वी विल यूज वॉज। नाउ क्या यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, और किससे ज्वाइन करेंगे बाय, बाय, और अब क्या बनाएंगे थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की लगे बनाएंगे, थर्ड पर्सन है इसलिए इसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगी, एंड द क्या हो गया इसका, द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। ओके सो नाउ एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इंटरोगेटिव का देखते हैं। Did they wear black suits yesterday? Did they wear black suits yesterday? Okay. अब आप बोलेंगे यहां पर did कैसे आया, तो जब भी हम interrogative, negative या interrogative बनाते हैं किसका सिंपल पास का, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। फाइन, इसलिए हमने क्या यूज किया है डिड यूज किया। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं, दिस विल बी योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस विल बी योर वर्ब फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एंड दिस विल बी द टाइम और दी कॉम्प्लीमेंट्री। यस्टरडे लास्ट में आया है, जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा लास्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले लाइए ब्लैक सूट्स। अब ये देखिए कि हमें इसमें किसको चेंज करना है इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव के साथ क्या ब्लैक सूट्स क्या है प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे वर, वर ब्लैक सूट, ठीक है, वियर वियर, वॉन वॉन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉन, बाय दे का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा बाय देम, बाय देम, अंडरस्टूड। सो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड विल बी आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी नेक्स्ट विल बी आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट देन वॉज एंड वर्ब
वॉज फर्स्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एनजी कंटीन्यूअस है तो आई एनजी फॉर्म जरूर आएगी और ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका पैसिव से एक्टिव का फॉर्म. नाउ जब भी हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब विल रिमेन सेम, वॉज वर्ब सेम रहेंगे, बीइंग आ जाएगा, क्या यू मिलेंगे बीइंग, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एनजी, नो वी वॉन्ट वी विल यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी योर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी योर ऑब्जेक्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, वर लगा हुआ है आई एनजी फॉर्म है तो किसका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो सबसे पहले सब्जेक्ट को कहां आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, क्रिकेट क्या है सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा वॉज, वॉज के बाद हम यूज करेंगे बीइंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन. फाइन एवरीबॉडी ये हो गया द क्रिकेट इज वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन. And the next is your last. आपका इसके बाद आता है past perfect tense. क्या आता है इसके बाद past perfect tense. Past perfect tense को कैसे लिखे से formula क्या होता है subject then head verb third form then object. Now इसको चेंज करने के लिए हमें क्या उसमें करना पड़ता है जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट देन हेड विल रिमेन सेम, हेड सेम रहेगा, देन बी क्या यूज करेंगे बी, वर्ब थर्ड फॉर्म विल रिमेन सेम बाय एंड योर ऑब्जेक्ट विल बी योर सब्जेक्ट. फाइन फॉर एग्जाम्पल ही हैड called me. Had plus verb की third form है तो किसका हो गया past perfect का. Past perfect को active से passive में किस तरीके से change करेंगे? सबसे पहले me को कहाँ लाएंगे? Subject की जगह. तो जब भी I का